आज का ये जो 3 घंटे की कॉल है संयुक्त मोर्चा की, ये सरकार को जगाने के लिए है। जो तोमर जी ने कल बोला है कि ये इसका विरोध सिर्फ एक प्रांत के लोग ही कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि तोमर जी ये सिर्फ पंजाब का आंदोलन नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के किसानों का आंदोलन है। हर गांव के आगे चक्का जाम होगा, कोई भी कोई स्टेट की सड़क है या गांव की सड़क है, अप्रोच रोड है, सब पे चक्का जाम होएगा। जो मोदी तुंबल कह रहा भी कले पंजाब के किसानों का मुद्दा है, काले कानूनों का, साढ़े सारे भारत इंडिया का सारे का मुद्दा एको है। से कहां जा रहे हो तो? ये मैं गांव से बॉर्डर तक जाता हूं, समालखा से अपना टीकरी बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर तक जाता हूं। हां जी, क्यों मतलब इस उम्र में साइकिल से कहां जा रहे हो तुम? अरे उम्र पटरी यहां पर बैठा दिए, उस पर रोड पर डाल दिए सरकार ने, ऐसे काले कानून बनाए हैं, बच्चे भी सब बेरोजगार, बिल्कुल साफ खाता कर दिया, और ये और छोरा घूम दिया। ये काले 3 कानून ऐसे बनाए हैं जो कृषि ने धूल में मिलाने के। एक बात बताओ बेटा, तुम भी समझदार हो, मैं तेरे को एक चीज फायदे के लिए बता रही हूँ, और तेरे को अच्छी नहीं लग रही तो मैं क्यों दे रही हूँ तेरे को? मत दो, ये नहीं चाहते तो मत दो, क्या ताई क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? अगर फायदे का होगा तो लगा तो अपना मांग लेंगे ये है? जब भी कोई भी कानून बना जाता बेटा, 4-5 की सलाह मशवरा बिना नहीं बनता, सलाह ली जाती है। घर में भी कोई काम करते हैं तो सलाह लेके करते हैं, हैं? इसने अंबानी अंडानी के वो खान खदवा दी, रेल बिछवा दी, और सारे पहले 2 साल पहले उसको जो है ना सब कुछ दे दिया, और लोगों ने बुझा है, और तेरे कानून 3 फायदे के हैं तो ये फायदा हमने नहीं चाहता तो क्यों दे रहेंगे? एक तरफ तो मोदी जी कह रहे हैं कि भाई बातचीत पर आओ किसान, दूसरी तरफ उनके घर आकर रात ने जाजा सरकार के लोग, और नोटिस चेपने लग रहे हैं, कील गड़वाने लग रहे हैं रास्ते में, दीवार निकालने लग रहे हैं, तो ये कोई ठीक नहीं है। एक ही चीज चलेगी, या तो नोटिस चिपका लो या बातचीत कर लो। मोदी सरकार को दसना चाहते हैं कि आपको मान होगा भाजपा की वोट पे, हमें आसरा है नानक की वोट पे, हम गुरु नानक की वोट का आसरा लेके आए हैं, जे रिस्क तो क्या कुछ भी नहीं है। अभी तो 75 दिन हो गए हमें यहाँ, लेकिन हमारे 75 दिनों का हमें कोई फिक्र नहीं है, हम तो साल भी लगाएंगे, 2 साल भी लगाएंगे, हो सकता है 24 तक, जब तक आप नहीं जाते सरकार से तब तक हम ये आंदोलन जारी रखेंगे, लेकिन ये कानून वापस करवाए बिना यहाँ से हिलेंगे नहीं। 72-73 दिन हो गए किसान लड़े बैठे ने, पंजाब का ने 4.5 महीने हो गए, 2 महीने तक तो पंजाब में थे, सरकार ने नहीं सुनी तो दिल्ली आ गए, दिल्ली चुकर दे तो घेरे बैठे हैं किसान, और किसान वापस जब आएगा, जब ये 3 काले कानून वापस ले लेंगे, कोई रियायत नहीं है इसमें, ये तो कहते हम इसमें चेंज कर देंगे, ये लाश है, लाश का ऑपरेशन नहीं हुआ करता, लाश के तो दाग दिया जाया करे है। बहुत भ्रष्ट सरकार, ऐसी सरकार 80 साल की आयु होगी, हमने नहीं देखी थी जैसी ये आई है। कितने परेशान हैं लोग, है? परेशान हैं, आज किसी का बाप बीमार है, किसी की माँ बीमार है, ऐसी नौबत क्यों ला रखी है? किसने लाया? या मोदी सरकार ने लाई, खट्टर सरकार ने लाई, योगी सरकार ने लाई? बेटा जो ये ताज हम पर इसका, हाँ इस ताज को हम नीचे भी ले सकते हैं। ये ड्रामे कर रही है सरकार, मोदी जी कह रहे हैं काल दूर हूँ मैं किसानों से, कब आएगी वो काल? 200 के करीब किसान शहीद हो चुके, इसमें बुजुर्ग और नौजवान भी हैं, तो और कितनी बलि चढ़वाएंगे मोदी जी? हम तैयार हैं उस चीज के लिए, कितना लंबा खींच लो, लास्ट में इन्होंने मांग देनी पड़ेगी, किसान खाली हाथ दिल्ली से वापस अपने घर नहीं जाएगा। एक एक रोड 20-20 जगह से गांव गए जो है जाम होगा 12 से 3 बजे तक, और हम शांतिपूर्वक बंद रखेंगे,
जो भी आवश्यक सेवाएं हैं उनको बाधित हम नहीं करेंगे किसानों की तरफ से, क्योंकि ये जनता है, ये हमारी ही जनता है, ये मोदी की जनता नहीं है। उसने तो दिख नहीं रहे, उसने तो अंबानी रबानी दिखे हैं अदानी, उसने नीचे कोई देख नहीं रहा, पता नहीं कौन से चश्मे पैर का रहा है मोदी जी। तो हमारा कोई बीमार आदमी आएगा, एम्बुलेंस आएगी, बुजुर्ग है, किसी का पेपर है, किसी का इंटरव्यू है, किसी ने जहाज में बैठ के विदेश जाना है, बाकायदा इज्जत के साथ पानी पिला के हम उनको निकालेंगे।